अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, इंशाल्लाह आप लोग भी ठीक होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ साबूदाना और गाजर का खीर। तो यहाँ पे हमने आधा कप जो है लिया था साबूदाना, ये छोटे वाला है, बारीक वाला, आप बड़ा वाला भी ले सकती हैं। तो इसको हमने ओवर नाइट भी गा दिया था, पूरी रात भी हुआ था ये। तो अच्छे से मसाला इस तरह से देखे ना, दम मिस हो रहा है, ये देखिए दम फूट जा रहा है, दम आटा बन जा रहा। तो इसको सोख कर लिया था पानी से, हमने निकाले, पानी इसमें नहीं रहता, पूरा सोख लेता है, हिसाब से रखिएगा। तो यहाँ पे हमने लिया है 250 ग्राम गाजर, उसको हमने कद्दूकस कर लिया है। जो इसका बीज का पार्ट था ये देखें, दो गाजर थे बड़े बड़े, तो मैंने बीज का ये निकाल दिया है और इसको ऊपर कर लिया है। यहाँ पे 2 टेबलस्पून हमने बादाम, 2 टेबलस्पून हमने लिया है पिस्ता और 3 टेबलस्पून हमने लिया है काजू। ये इलायची पाउडर है 1/2 टीस्पून और यहाँ पर हमने लिया है 60 ग्राम, वजन से है ये 60 ग्राम शक्कर और टेबलस्पून से है 5। ठीक है, तो चलिए मैं सबसे पहले ड्राई फ्रूट को रोस्ट कर लेते हैं। हमने घी डाल दिया है और घी में हमने ड्राई फ्रूट डाल देंगे सारे और इसको रोस्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये रोस्ट हो चुका है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ इस तरह से, प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे देसी घी मैंने फिर से वापस से डाल दिया है, 2 टेबलस्पून के बराबर है। तो अब इसमें डाल दूंगी मैं अपने गाजर, तो हमने कद्दूकस करके रखे हैं 1 कप है। तो इसको जो है इसमें भून लेंगे 4 से 5 मिनट, अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे गाजर जो है 5 से 6 मिनट इसके अच्छे से हमने देखिए भुनाई कर ली है और इसमें घी भी थोड़ा छोड़ दिया है। तो अब क्या करूँगी, देखिए हमने बॉयल करने के लिए दूध रखा था, ये बॉयल हो चुका है, देखिए अब ये मैं गर्म गर्म दूध इसमें डाल दूँ। तो इसमें जो है हम फटाफट दूध डाल देंगे और इसको अच्छे से पकाऊंगी। देख सकती हैं ना, ये 1.25 लीटर दूध है, 1 लीटर और 250 ग्राम और, यानी 1.5 लीटर था। तो मैंने 1 गिलास निकाल लिया, मेरी बेटी ने पी लिया और बाकी इसमें हमने यूज कर लिया। चलिए अब इसको पका लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये ऊपर है ना, ये घी है, कितना प्यारा कलर आ रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा। अब इसमें बॉयल आने लगा, तो मैं 2 से 3 मिनट इसको पका लूँगी, फिर इसमें जो है मैं साबूदाना डालूँगी। तो यहाँ पे देखिए 4 से 5 मिनट हो गया माशाल्लाह इसको पकते हुए, और ये देख लीजिए आप, और ये बिल्कुल से अच्छे से मसाला ये गल चुका है गाजर। मैंने इसको टच किया और छुआ, तब मैं इस चम्मच से देख रही हैं, इस चम्मच से हमने 4 टेबल स्पून और 1/2 टेबल स्पून और, यानी आसपास 5 टेबल स्पून हमने आप डाला है, ये देखिए। तो मिठास आपको जितना कम ज़्यादा, अगर कम चाहिए तो 4 टेबल स्पून डालिएगा, थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो 5 टेबल स्पून, 6 टेबल स्पून भी कर सकती हैं आपके ऊपर है, मीठा आपको जैसे पसंद है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी इलायची पाउडर, और अब इसी के साथ डाल देती हूँ जो है साबूदाना। ये जल्दी पक जाता है लेकिन फिर भी इसको 8 से 10 मिनट लो फ्लेम पे पकाऊंगी, और इसी के साथ चला जा रहा है इलायची पाउडर 1/2 चम्मच। चलिए इसको पकने देते हैं, ठंडा हो गया है उसको जो हमने साबूदाना डाला यानी सागो, अब इसमें पड़केगा ये बहुत अच्छे से, और ये जो किनारे किनारे लग जाता है कढ़ाई में, इसको बीच में छोड़ा छोड़ा के कर लेने का, ये बिल्कुल आपकी रबड़ी जैसी खीर बनेगी माशाल्लाह, और बहुत यम्मी बहुत टेस्टी ये खीर बनती है। आप ज़रूर बनाइए सर्दी में, और बच्चे बड़ों को सबको ये पसंद आती है, हमारे यहाँ तो सबको अच्छा लगता है माशाल्लाह खीर, साबूदाना और गाजर की खीर बहुत यम्मी टेस्टी बनता है। तो ज़रूर बनाइए, आप चाहे बड़ा वाला साबूदाना हो या छोटा वाला, जो आपको मिले। ठीक है, तो चलिए इसको पकने देते हैं, मिलते हैं कि 8 से 10 मिनट के बाद। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास केसर है, तो मैं थोड़ी से 1 चुटकी केसर डाल रही हूँ इसमें, ये देखिए मैं इसमें केसर डाल रही हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी और कलर भी थोड़ा और हो जाएगा, बहुत अच्छा। अच्छा यहाँ पे मैंने शक्कर डाला है, आप गुड़ भी डाल सकती हैं, मीठा अपने अकॉर्डिंग डालिएगा, और या तो फिर 100 ग्राम आप कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। एक्चुअली मैंने तो यहाँ तो शक्कर ही डाला है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर नहीं है तो इसकी करिए बाकी शक्कर ही डालिए, जैसे बनाते हैं जो घर में है अवेलेबल वो ही बनाइए डालिए, बहुत यम्मी टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैं डाल देती हूँ अपने ड्राई फ्रूट, उसके बाद 2 मिनट के लिए पकाएंगे, और बाकी मेरे जो है ये तैयार हो चुका है साबूदाना की खीर। अच्छा आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साबूदाना खीर हो गया है, तो इस तरह से पता चल जाएगा, ये देख ही सकती हैं आप, देखिए ना ये बिल्कुल ऐसे ही मिला मिला रहेगा, बाकी ये ठंडा होगा तो और जम जाएगा। ठीक है, ये गाढ़ी हो जाती है ठंडी होने पे। तो चलिए 2 मिनट के बाद फिर इसको डिश आउट करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने गैस को किया बंद और इसको हमने उतार लिया। अब इस तरह से हम कर रहे हैं तो आपको पता ही चल रहा होगा कि कितना गाढ़ा है
और ये देखिए इसकी कंडीशन बहुत अच्छा है माशाल्लाह। तो चलिए इसको हम डिश आउट कर लेते हैं, एक बॉल में निकाल लेते हैं और आप लोग को भी दावत दे रही हूँ, आइए और खाइए, इंजॉय करिए और मेरे वीडियो को लाइक। तो यहाँ पे देखिए मैंने निकाल लिया और इसमें मैं थोड़ा सा काजू बादाम और पिस्ता की गार्निश कर रही हूँ। तो आप भी इसको बनाइए और इन्जॉय करिए, अपने बच्चों को दीजिए, बूढ़े लोग जो ज़ईफ़ हैं उनको दीजिए, ठंडी में ज़रूर खाइए, बहुत ताकत बहुत हेल्दी होता है। तो चलिए अच्छा यहाँ पे होती है मेरी वीडियो खास, मेरी वीडियो का लास्ट तक प्लीज़ देखा करें और शेयर कमेंट लाइक सब्सक्राइब कर दिया करें, ये सब आपकी तरफ से प्यार मोहब्बत होता है। चलिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।